चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट पास्टर्स एसोसिएशन की अध्यक्षता में चंद्रपुर मसीही समाज द्वारा शहर में एक भव्य मोर्चा निकाला गया। यह मोर्चा शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरा। यह मोर्चा किस संदर्भ में निकाला गया, आइए देखते हैं इस खबर में। मणिपुर में हुए हैवानियत की घटना के विरोध में आज चंद्रपुर मसीह समाज चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट पास्टर्स एसोसिएशन की अध्यक्षता में शहर के मुख्य मार्ग से एक मोर्चा निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में ईसाई बांधव शामिल हुए और यह मोर्चा गांधी चौक से होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचा। मोर्चे में शामिल एक छात्रा ने भारत माता का स्वरूप बनकर हाथ में राष्ट्रध्वज लिए हुए थी और निषेध करते हुए सभी ने पास्टर्स के साथ काले कपड़े पहने हुए थे तथा विभिन्न फलक अपने हाथों में लिए हुए थे और इस दौरान सभी ने जमकर नारेबाजी की। तो सुनिए इस मोर्चा में शामिल निषेध करने वालों ने क्या कहा स्वयं उन्हें जुबानी। चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट पास्टर्स एसोसिएशन और संपूर्ण ख्रिस्ती समाज के द्वारा जो मणिपुर में 3 महीने से जो हिंसा शुरू है, उसी के साथ में जो महिलाओं के ऊपर अमानवीय कृत्य किया गया और उन्हें रोड पर सड़क पर घसीटा गया नग्न करके विवस्त्र करके, ये बहुत ही घृणास्पद और बहुत ही भयंकर ऐसी बात है जो हमारे भारत देश के संस्कृति को पूरा नीचा दिखाने की यह साजिश है। और इसीलिए हम लोग सरकार का ध्यान हमारे तरफ खींचने के लिए और जो भी वहाँ पर समुदायों के बीच में झगड़े चल रहे हैं वह किसी भी हद तक महिलाओं को और बच्चों को हानि न पहुंचाए, इसीलिए हम चाहते हैं कि वहाँ पर सरकार अपने नियंत्रण को स्थापित करे। नहीं, अब आपसे नहीं होता है तो राष्ट्रपति लागवट वहाँ पर लगाई जाए और परिस्थिति को नियंत्रण में लाया जाए। मसीह लोग, चर्चेस, पासबान, इनके ऊपर जो नाहक उनको सताया जा रहा है, चर्चेस को जलाया जा रहा है, उसका हम सिरे से खंडन करते हैं। हम भी इस देश के नागरिक हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं। मसीह समाज का बहुत बड़ा योगदान इस देश को उन्नति के लिए एक बड़ा योगदान है, इसकी भी सरकार दखल ले। सीटीवी के लिए हमारे प्रतिनिधि वैभव उगारकर की रिपोर्ट।